हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू योर ऑन चैनल इंग्लिश लवर्स हाउ आर यू ऑल कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में आज हम करने वाले हैं जल्दी से जुड़ जाइए भैया जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि आज का जो ये हमारा टॉपिक है उसमें हम ये करने वाले हैं ठीक है तो जल्दी से जुड़िए गुड इवनिंग गुड इवनिंग कहा से हैं आप सब बताइएगा मुझे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइज मैं कोशिश कर रहा हूं आप में से हर किसी को यहां पर देखने की बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जल्दी से जल्दी से जुड़ जाइएगा गुड इवनिंग गुड इवनिंग बहुत अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं भैया बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पे देख के और बताइए कहाँ कहाँ से हैं आप ओहो प्रयागराज जय माता दी तो नमस्ते आदाब सत केम छो राम राम आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन जल्दी से जुड़ जाइए लाइक कर दीजिएगा जो भी जुड़ गए हैं जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा शुरू करते हैं आज के जबरदस्त क्लास बेंगलोर उड़ीसा वाराणसी देहरादून अरे वाह आसाम गुड इवनिंग गुड इवनिंग गोरखपुर मध्य प्रदेश बिहार सतना भिवानी से चलो हमारे उससे भी हैं मुंबई सर आर यू आई एम डूइंग रियली ग्रेट एंड थैंक्स टू पीपल लाइक यू हु हैव बीन रियली सपोर्टिंग मी थ्रू आउट एंड कैसा चल रहा है आप सब बताइएगा चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थोड़ा सा बीच बीच में पता नहीं मुझे लग रहा है इंटरनेट है या नहीं जल्दी से लाइक कर दीजिए जो आगे हैं एक बार शुरू करते हैं आज के हमारी जबरदस्त क्लास तो दोस्तों आपने ये चीज हमेशा देखी होगी कि जब भी जब भी आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो हमेशा आपको बोलते बोलते शब्दों की कमी का सामना करना पड़ता है तो कोई एक ऐसा हम काम करें जिससे आपको एटलीस्ट वर्ड्स की तो प्रॉब्लम ना आए और हम कई बार सीख लेते हैं बड़ी बड़ी चीजें फॉर एग्जाम्पल हम टेंस सीख लेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच सीख लेंगे हम नरेशन सीख लेंगे लेकिन ये सब चीजें सीखने के बावजूद भी क्या आप इंग्लिश बोलना ढंग से सीख पाते हैं नहीं सीख पाते उसकी वजह क्या है दोस्तों उसकी वजह एक है कि आपके पास वो नहीं है आपके पास शब्दावली नहीं है आपके पास शब्द नहीं है और ऐसा नहीं है कि छोटे से छोटे शब्द की हम ग्रामर में जाके हम डिक्शनरी में जाके हर शब्द को ढूंढे ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैंने क्या किया है आप देख रहे हैं मेरी हालत थोड़ी सी व्यस्त सी है आज क्योंकि मैं लगा हुआ हूं आप सबके लिए एक ऐसा पीपीटी एक ऐसा पीडीएफ मैंने तैयार किया है पीपीटी तो ये वाली है एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया है वन थाउजेंड डेली यूज वर्ड्स का उसमें उसमें वर्ब भी है उसमें नाउन भी है उसमें प्रेपोजिशन भी है उसमें कंजंक्शन भी है यानी कि वो हजार शब्द जो आप डेली सुनते हो अपने आसपास सुनते हो हिंदी में लेकिन उनकी इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है तो आज ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी ओके एवरीवन समझ आ रहा है चलिए तो आज मैं दिखाता हूं आपको कि हमने क्या किया है तो सबसे पहले ए जेड तक या आप इसको जी कह सकते हैं ए टू जेड कहिए ए से जी कहिए पूरी इंग्लिश आ जाएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जैसा आप देख सकते हैं छोटे से छोटा वर्ड और बड़े से बड़ा जो कि आप लोगों को जरूरी होता है चाहिए होता है बोलने के लिए ओके तो देखिए दोस्तों ये हजार वर्ड की पीडीएफ है हजार वर्ड की पीडीएफ है ये आपको मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस क्लास के बाद ठीक है मैं एक लिंक शेयर करूंगा इस क्लास के बाद तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो जल्दी से अब हर कोई इंग्लिश बोलेगा यही मैं चाहता हूं ठीक है और आप सबके लिए ये जो हम लेकर आए हैं खुल जा भाई पैसे दे रखे हैं यार ये बिल्कुल ही मेरे को आ, खुल गया ये देखिए दोस्तों ये हमारे पास ये वो है मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं क्यों मैं थाउजेंड मोस्ट कॉमन यूज वर्ड इसको मैं कह रहा हूं यहां पे ठीक है आज मैं आपको शब्द ही दिखाने वाला हूं इसमें ठीक है, बिल्कुल बेसिक से इससे बेसिक तो शायद इंग्लिश बनाने वाले ने भी इसको नहीं बनाया होगा ठीक है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हिंदी में आप लोगों को जो भी डेली यूज के वर्ड मीनिंग सुनने को मिलते हैं सिंपल से सिंपल वर्ड जैसे कि एक हालांकि कई बार बोला नहीं जाता लेकिन इंग्लिश में हम जरूर लिखते हैं तो यहां देखिए एक एक का मतलब ए भी होता है और एन भी होता है और ए और एन जो है ये हमारे क्या हैं आर्टिकल्स हैं दोस्तों ठीक है तो ए और एन आप कहां, कहां लगाएंगे तो एन तो आप लगाइएगा ए आई -E ओ यू ये जो पांच वावल्स हैं ठीक है तो ये पांच वावल्स जो भी वावल साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन सभी के सामने जो एक है आप लगाएंगे एन क्या लगाएंगे एन एक के लिए एक के लिए आप लगाइएगा एन और इन पांच वावल्स के साथ जो भी वावल साउंड्स निकलते हैं उसके अलावा जहां भी आप लोगों को एक के लिए लगाना हो आप लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ए सिर्फ और सिर्फ एक के लिए आप ए लगा सकते हैं क्लियर है गुड चलिए नाउ अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पर अब दोस्तों देखिए सिंपल सा मैं मैं यानी कि आई तो आपको अगर मैं से रिलेटेड कुछ भी बोलना हो इंग्लिश में आपको पता है आपको मिल गया सबसे बेसिस बेसिक अक्षर सबसे अच्छा आपको वर्ड मिल गया आई ठीक है फिर उसका तो अगर मेल है तो आप लगा देंगे हिज फॉर एग्जाम्पल यह उसका पेन है इट इज हिज पेन ठीक है यह उसका दोस्त है ही इज हिज फ्रेंड मेल के लिए हिज आ गया और अगर फीमेल हो तो फीमेल हो तो हर तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं हम ठीक है इससे बेसिक तो है ही नहीं इंग्लिश बनाने वाले ने ही नहीं बनाया तो हम गुस्सा की कर नहीं सकते ठीक है दोस्तों ब्रेक हो रहा है सर कुछ बीच बीच में क्या ब्रेक हो रहा है चलिए अब नहीं होगा ठीक है कनेक्टिविटी अच्छी आ चुकी है अब ब्रेक नहीं होगा तो दोस्तों देखिए फिर फीमेल के लिए हर आ गया मेल के लिए हिज अब हम क्या करना है मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि कैसे इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीखा जा सकता है इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ठीक है इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ये देखिए अब तो शायद आप लोगों को सही बड़ा दिख रहा होगा चलिए अब है का इज वह अध्यापक है ही इज अ टीचर तो है के लिए हमारे पास आ चुका है इज है के लिए इज आ चुका है क्लियर है नेक्स्ट नेक्स्ट वह वह के लिए हम लगाएंगे ही, ही, अगर वो मेल है तो और अगर फीमेल है तो क्या लगेगा बताओ फीमेल है तो लगेगा शी फीमेल है तो लगेगा शी क्लियर है अब नेक्स्ट था था यानी कि सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो एक ग्रुप है दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया यहां थोड़ा सा हम हिंट लेके चलते हैं आपको यह कैसे पता चलेगा इजेम आर के साथ कौन से सब्जेक्ट लगाएंगे है ना वर्ज वर के साथ कौन से लगाएंगे हैज के साथ कौन से लगाएंगे ये भी एक बार दोबारा से समझ लीजिए ये आपकी बेस्ट ट्रिक है ये क्या है आपकी बेस्ट ट्रिक बेस्ट ट्रिक है अब तक की ठीक है अब देखिए दोस्तों आपको कौन कौन से सब्जेक्ट याद रखने हैं आज मैं सिंपल सा आप लोगों को बता देता हूं पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी पता है आप भी एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिएगा सबसे पहले आपको याद रखना है ही शी इट ही और शी का मतलब क्या होता है वह ठीक है थीके? लड़का है तो ही लड़की है तो शी इट कोई एक नाम किसी का भी नाम या आपका सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाउन क्या है दोस्तों आपका यह है आपका एक वचन एक वचन यह हो गया नाम कोई भी हो सकता है जैसे अमित हो गया ठीक है सोनू हो गया यह हो गया नाम इट कहां यूज होता है जब आपको जेंडर नहीं पता है कि वो मेल है कि वो फीमेल है वो क्या है जेंडर नहीं पता तो हमारे पास सबसे अच्छा सब्जेक्ट सबसे अच्छा उपाय है वो है हमारा इट इट हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग के लिए ठीक है या जिसका जेंडर मेंशन नहीं है मेंशन नहीं है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं क्या इट हमारा और और दो बातें जब भी आपको मौसम के बारे में बताना हो या आपको टाइम बताना हो हमेशा आप क्या यूज करेंगे इट का जैसे तीन बज गए हैं इट इज थ्री ओ क्लॉक बारिश हो रही है इट इज रेनिंग समझ आया तो जहां भी आपको समझ में ना आए कि आपको क्या सब्जेक्ट लगाना है तो अगर मेल या फीमेल नहीं है आंख बंद करके इट लगा दो बिल्कुल सही होगा क्लियर है वेरी गुड अब दोस्तों देखिए ये जो ग्रुप की मैंने बात की है ये इतना खास क्यों है क्योंकि इस ग्रुप के साथ ही आपका एस या है इस ग्रुप के साथ ही आपका इज लगता है इस ग्रुप के साथ ही आपका वज लगता है और इसी ग्रुप के साथ ही आपका हैज लगता है और इसी ग्रुप के साथ ही आपका डज लगता है तो बताइए दोस्तों आम के आम और गुठलियों के दाम सिर्फ एक हमारा ग्रुप है पूरा ही शी इट, कोई एक नाम या सिंगुलर नाउन एक वचन और हमें जो भी एस से जो भी एस से एस से खत्म होने वाली जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं उन सभी के लिए क्या चाहिए सिर्फ एक ग्रुप को हमें याद करना चाहिए हा या ना हा या ना ऐसा ही है ना तो दोस्तों देखिए अब जो हमने ये कर रहे हैं हम इसमें सिंपल सा क्या है था के लिए तो हमें ये पता है वो किसके साथ लगेगा भाई ही शी? इट वाले ग्रुप के साथ लगेगा बस इतना दिमाग में आ जाएगा देखते ही कि हाँ सर ने बताया था इसके साथ तो वही ग्रुप लगना है ठीक है फिर कोई टेंशन नहीं है अब देखिए के लिए मैं तुम्हारे लिए फिक्र करता हूं आई एम वरीड अबाउट यू ठीक है ये आप किसके लिए लेकर आए हैं फॉर हुम हैव यू ब्रॉड दिस तो किसी के लिए कोई भी अगर आपको हिंदी में शब्द सुनने को मिले इंग्लिश में आपको पता है आपको लगाना है फोर आपको लगाना है फोर ठीक है क्लियर है क्लियर है दोस्तों चलिए अब पर, पर यानी कि ऊपर किसी चीज के ऊपर यह है हमारा ऑन ये बिल्कुल बेसिक से है मैं आपको फर्स्ट पेज थोड़ा सा डिस्क्राइब करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक एक वर्ड जो है ना वो आपके इंग्लिश सीखने के लिए कितना जरूरी है कि इसके बिना आप सीख ही नहीं सकते कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे ये हजार जो आपके डेली यूज के वर्ड मीनिंग्स हैं इनके बिना क्लियर है दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना इससे बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता अब देखिए अगर आप ऑन का यूज कहां करेंगे आज थोड़ा सा हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं एक तो होता है ऑन एक होता है इन एक होता है एट अब इन तीनों में हमें लगता है कि यार समस्या बड़ी है समझ नहीं आ रहा कि ऑन लगाएं, इन लगाएं या एट लगाएं। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं जब बात आती है टाइम की जब बात आती है टाइम की तो जो दिन होते हैं मंडे ट्यूसडे मतलब डेज जो होंगे हमारे उन सभी के साथ क्या आएगा हमारा ऑन ही आएगा ठीक है ये हल्का सा याद रख लो हमेशा चीजें काम आएंगी जैसे आप बात करते हो भाई मंडे हो गया ठीक है ट्यूसडे हो गया तो ऐसी चीजें जब भी आप याद करोगे डे आ गया आपको पता है आपने लगाना है ऑन ठीक है इन कब लगेगा इन लगेगा जब आप बात कर रहे हैं साल की साल की जैसे 2022 ठीक है 2023 ऐसे, ऐसे ऐसे आपके जो भी आप साल की बात करेंगे उसमें यही लगेगा अब अब साल में तो इन लग गया अब सीजन जो होते हैं ना सीजन जैसे गर्मियों में सर्दियों में बरसात में उसमें भी आपको क्या लगाना है सीजन में भी आपका क्या लगेगा इन लगेगा सीजन में भी क्या लगेगा इन लगेगा समझ आ रहा है सबको क्लियर है दोस्तों इसको आप रिविजन समझ लो इसको आप अपना ये समझ लो कि बिल्कुल बेसिक से हम समझ रहे हैं इसको आप ये समझ लो कि अगर ये नहीं सीखा तो कभी जिंदगी में इंग्लिश बोलने की सोच भी नहीं पाओगे बोलना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है अब अगर हम बात करते हैं टाइम की तो जो आपके महीने होते हैं मंथ्स ठीक है मंथ्स उनके लिए भी आप क्या लगाओगे उनके लिए भी आप क्या लगाओगे इन लगाओगे ठीक है समझ आ गया क्लियर है अब देखिए दोस्तों एट कहां यूज होगा एट जब आपको फिक्स टाइम पता हो सिर्फ तभी यूज होगा जैसे हाफ पास टू ठीक है क्वार्टर पास टेन ऐसे ऐसे फिक्स टाइम जब बताना हो सिर्फ एट का यूज तभी होगा क्लियर है सिर्फ एट का यूज तभी होगा उसके अलावा होगा ही नहीं ठीक है ना याद रखना इस चीज को अब अब अगर हम बात करें प्लेस की यानी देखो दो तरह से लगेंगे ये जो प्रेपोजिशन है हम ये कर रहे हैं प्रेपोजिशन यानी ऑन इन और एट ठीक है तो ये कैसे आ, आते हैं वाक्यों में वो हम पढ़ रहे हैं तो यहां पर आपको देखना है जब प्लेस के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपको सिर्फ सरफेस की बात करनी है सरफेस की जैसे आ, ये किताब है या आप इसको टेबल समझ लो इसको टेबल समझ लो और ये क्या है ये पेन है तो मैंने अगर इस सतह के ऊपर रख दिया ऊपर रख दिया तो ये क्या बन गया द बुक द पेन इज ऑन द टेबल ये टेबल है ये पेन रख दिया द पेन इज ऑन द टेबल अब दोस्तों ऑन हो गया यानी कि एक सतह दे रखी है उसके ऊपर ही अगर कोई चीज रहेगी तो वो हमेशा ऑन द सरफेस रहेगी कैसे ऑन द सरफेस सतह के ऊपर अब इनकी बात आ जाए अब ये रजिस्टर है नोटबुक कह लो ये पेन मैंने इसके अंदर रख दिया और इसको ऐसे बंद कर दिया अब अगर आपसे कोई पूछता है वेयर इज द पेन अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया पेन कहां पर है तो आप क्या बताएंगे द पेन इज इन द नोटबुक क्योंकि इसने क्या किया हुआ इस नोटबुक ने इस पेन को इस पेन को घेरा हुआ है क्या किया हुआ है घेरा हुआ है समझ आया तो इसलिए हम इसको इन कहेंगे अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात और भी है आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि भाई आ, गेट इन द बस या गेट ऑन द बस गेट इन द कार या गेट ऑन द कार ये समझिए एक से आपको अगर को, कोई कहे गेट इन द बस गेट ऑन द बस जल्दी बताओ कौन सा सही है जल्दी बताइए इनमें से कौन सा सही है बताओ बताओ दोस्तों जल्दी से लाइव कब आते हो कविता रावत मैं मंडे को वेंसडे को और फ्राइडे को लाइव आता हूं इसी टाइम पे ठीक है जल्दी बताइए क्या आएगा जल्दी से ये सही है या ये सही है इन दोनों में से कौन सा सही होगा आज ये आप लोगों को फर्क समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए कभी टेंशन नहीं होगी ये मेरी गारंटी है ये समझाने के बाद बताइए क्या आएगा? बहुत बढ़िया दोस्तों देखिए एक है गेट इन द बस एक है गेट ऑन द बस मैं आपको एक छोटी सी बात यहां पर बताना चाहता हूं ये आपकी बस है क्या है बस है ये आपकी बस है ठीक है ये आपकी हो गई बस ठीक है ये बस हो गई आपकी अब आप दोस्तों मुझे हमेशा एक बात बताओ जब भी आप बस में चढ़ते हो तो आप अपनी सीट तक कैसे जाते हो चल कर जाते होगे तो बस के ऊपर जब आप चढ़ते हो तो क्या आप चल के जाते हो बस में अपनी सीट तक बैठने के लिए हाँ या ना हाँ या ना देखिए दोस्तों जो भी जवाब आपने दिए हैं अगर मैं पोल करवाऊ ना तो 50 50 आएगा दोनों स्टूडेंट कह रहे हैं सर गेट इन द भी हो सकता है गेट ऑन द हो सकता है मैं आपको बताऊं यह गलत है गेट इन बस होता ही नहीं है बिल्कुल गलत है गेट इन द बस नहीं होगा ठीक है दोस्तों और वो क्यों नहीं होगा क्योंकि इनका मतलब होता है अंदर ठीक है ऑन का मतलब होता है ऊपर ठीक है तो जब भी आप बस में चढ़ेंगे आप प्लेन में चढ़ेंगे ठीक है आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो आप क्या करोगे भाई आप वो जो सतह है आप उस पर चल के जाओगे आप उस पर चल के अपनी जो सीट है उस तक जाओगे हा या ना हा या ना, बताओ मुझे आप जब भी बस में प्लेन में या ट्रेन में जाओगे तो ये जो गाड़ी है ये जो बस है ठीक है आप हमेशा चलकर अपनी खाली सीट पर जाकर बैठ जाते हो तो जहां भी चाहे शिप की बात करो चाहे शिप की बात करो आप किसी भी व्हीकल की बात करो अगर आपको चलना पड़ता है उस व्हीकल के अंदर अगर आप उस व्हीकल के अंदर चलते हो अपनी सीट को जाते हो और तब बैठते हो तो हमेशा क्या आएगा गेट ऑन आएगा क्या आएगा दोस्तों गेट ऑन आएगा ठीक है क्लियर हो गया ये फंडा गेट ऑन द बस सुनील भाई अब भी क्या आप इन इन कर रहे हो गेट ऑन द बस करो ठीक है हमेशा गेट ऑन द बस यानी कि बस में चढ़ जाओ और बस से उतरने की इंग्लिश क्या होगी बस से उतर जाओ इसकी इंग्लिश बताओ जल्दी से इसकी इंग्लिश बताओ भैया मुझे समझदार बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं यहां पे ठीक है हजार के आसपास लोग हैं बताओ जल्दी से क्या आएगा यहां पे बस से उतर जाओ इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जिस जिस को पता है एक बार जल्दी से आंसर लिख दीजिए मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना अच्छा अपने आसपास की अंग्रेजी को पकड़ के रखा हुआ है जल्दी बताओ जल्दी से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया संगीता यादव गुड देखिए कुछ लोग हैं जिन्होंने सच में मतलब अपनी जो आ, पढ़ाई है इंग्लिश को सीखने की स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को उन्होंने सच्चे दिल से लगा रखा है और ऐसे लोग मेरे को सच में बड़े पसंद हैं सर आप कहाँ से हैं मैं हिंदुस्तान से हूँ अभी दिल्ली में हूँ वैसे मैं भिवानी में पैदा हुआ था हरियाणा में और कुछ मेरा नाम सतेंद्र सिंह है आप प्यार से मुझे सतेंद्र सर बुला सकते हैं है ना बताइए और क्या हुआ चलिए बहुत बढ़िया और दोस्तों आज मैं एक बात और करना चाहूंगा अभी तो इसकी ट्रांसलेशन आप सबने लगभग लगभग लग लग सही बता दी मैं सबसे पहले आज पूरे हिंदुस्तान के सामने खान सर के लिए एक सल्यूट करना चाहूंगा कि खान सर का जो शो है कपिल शर्मा वाला उसमें जो उन्होंने घोषणा की है कि जो भी आई के लोग हैं उनको सिर्फ साढ़े सात हजार में जो कि यूपी बिहार के उस तरफ के लोगों के लिए एक सपना सा हुआ करता था पढ़ाई में होशियार होने के बावजूद भी कि वो कोचिंग नहीं ले पाते थे अरे यार सलाम ऐसे टीचर को सौ बार सलाम है इसीलिए वो द खानसर हैं पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन सेगमेंट में नंबर वन जो वो बने हुए हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे अच्छे टीचर हमारे साथ मौजूद हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों बस से उतर जाओ इसकी इंग्लिश होगी गेट ऑफ द बस गेट ऑफ द बस समझ आया गेट ऑफ द बस यानी बस से उतर जाओ कहीं से भी उतरना हो बस से या प्लेन से हवाई जहाज से ट्रेन से गेट ऑफ बोला जाएगा समझ आया वेरी गुड अब दोस्तों एक बात मैं और पूछता हूं दोबारा से गेट इन द कार होगा या गेट ऑन द कार होगा या गेट इन टू द कार होगा जल्दी बताइए इसमें मजा आने वाला है इसमें सच में बड़ा मजा आने वाला है, है कि नहीं बताओ बताओ जल्दी से बड़े बढ़िया 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 आज बड़े जबरदस्त लोगों का जो रुझान बना हुआ है तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबको देख के ठीक है बहुत ही अच्छा उमदा आपका आज भरपूर सहयोग मिल रहा है मुझे थैंक यू तो दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूं ये आप सोचो जल्दी से जो हजार वर्ड्स की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स पर मिलने वाली है ठीक है इंग्लिश लवर्स पर मिलेगी जिसके ऊपर फिफ्टी सेवन के फॉलोअर्स हैं ठीक है ये आप सर्च कर लीजिएगा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेकिन ये क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको मिलेगी ठीक है अभी नहीं मिलेगी ठीक है दोस्तों और ये पीडीएफ जो है हजार वर्ड्स की इसका जो प्राइस है वो रखा गया है फोर्टी नाइन रुपीज ठीक है तो जो एक वर्ड जो आपको दिया है उसकी पैसे से भी कम वैल्यू हो गई है ठीक है तो इसको कंपाइल करने में टीम वगैरह लगती है थोड़ा क्लैरिकल काम होता है तो उस वजह से मैंने बिल्कुल नॉमिनल सिर्फ फोर्टी नाइन रुपीज का मैंने प्राइस रखा है तो जिसको लेना है मैं लिंक टेलीग्राम जो मेरा चैनल है उस पर शेयर करने वाला हूं ठीक है वो आपकी मर्जी है मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं कौन सी हम कर रहे हैं जल्दी से पहले यह बताइए क्या आएगा गेट इन द कार गेट ऑन द कार और गेट इन द कार जल्दी से वोट कीजिए भैया गेट इन द कार गेट ऑन द कार या गेट इन टू द कार और एक बार जो भी आ गए ना एक बार लाइक और शेयर जल्दी से कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर दीजिए कीजिए क्योंकि एक टीचर के लिए यही एक मोटिवेशन होता है यही हमारे लिए सब कुछ होता है ठीक है आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है इससे आप सबका प्यार आ जाता है और बच्चे जुड़ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ठीक है चलिए दोस्तों जिस जिस ने भी बोला है गेट ऑन द कार वो गलत है ये सही है गेट इन द कार क्योंकि जब आप कार में बैठते हो दोस्तों अब मेरे से कार नहीं बनेगी ठीक है आप कहोगे कि सर ये कैसी कार बना दी आपने ठीक है ये जो आपकी कार है इसमें आप जब ये खिड़की खोलते हो खिड़की खोलते हो तो सीधा ऐसे करके बैठ जाते हो आपको चल के अपनी सीट तक नहीं जाना पड़ता कार के अंदर समझ आया तो जब भी आपको चलकर नहीं जाना पड़े हमेशा उस व्हीकल के लिए क्या यूज करेंगे आप इन यूज करेंगे लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है यहां पर एक ट्विस्ट है क्या ये भी बोलते हैं गेट इन टू द कार वो क्यों बोलेंगे वो कब बोलेंगे गेट इन टू द कार भी बोला जाता है उसका रीजन सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा कान खोल के ठीक है ध्यान से सुनिएगा अब ये जो गाड़ी है इसके अंदर पहले से ही कोई बैठा है पैसेंजर अगर गाड़ी के अंदर पहले से ही कोई बैठा है तो वो खिड़की खोल के क्या बोलता है गाड़ी के अंदर आजा गाड़ी के अंदर आजा तो अंदर से अगर कोई आवाज देता है आपको गाड़ी के अंदर बुलाने के लिए तब वो कह सकता है गेट इन टू द कार गेट इन टू द कार समझ आ रहा है सबको समझ आया बस का ड्राइवर को बोलेगा बस का ड्राइवर बोलेगा गेट ऑन द बस बस के ऊपर आ जाओ महाराज मेरे मेहमान है ना वो आपको बस के ऊपर बुलाएगा लेकिन कोई कह रहा है गेट आउट द कार अभी तो बिठा लो पहले किसी को अभी पहले धक्के मारने को हो गए तो ये जो प्यारी सी गाड़ी है इसके अंदर पहले से अगर कोई बैठा है वो अगर किसी और को बुला रहा है तो वो क्या कहेगा गेट इन टू द कार क्लियर है समझ आ गया सबको कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से जल्दी से लाइक कर दीजिए जो भी हैं लाइक 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 भर भर के लाइक कर दो एक से ज्यादा हो नहीं सकते नहीं तो मुझे पता है आप बहुत ज्यादा कर देते ठीक है चलिए थैंक यू अब दोस्तों देखिए अब हम ये बता रहे थे ये वो पीडीएफ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं ठीक है वन थाउजेंड मोस्ट कॉमन यूज वर्ड्स इससे आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी ए से लेकर जेड तक जितने हजार वर्ड्स कितने होते हैं न्यूज़पेपर में भी तीन हजार वर्ड्स की वोकैबलरी यूज होती है बस नॉर्मल न्यूज पेपर में द हिंदू और द ट्रिब्यून ये होते हैं ना इनमें तीन से पांच हजार के वर्ड्स की वोकैबलरी होती है तो आप समझ लो अगर आपने सिर्फ ये कर लिए तो भी आपकी इंग्लिश बोलने की जर्नी कहां से कहां पहुंच जाएगी समझ आ रहा है ये मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं इस क्लास के बाद तो देखिए दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगा Clear है? देखिए जैसे साथ विद क्या आप मेरे साथ हैं आर यू विद मी आर यू विद मी है ना तो साथ के लिए ये वे के लिए दे वे खिलाड़ी हैं दे आर प्लेयर्स दे आर प्लेयर्स फिर हो बी बी का मतलब है होना अब दोस्तों यहां पर एक बात मैं और बता देता हूं एक बात और क्योंकि जो बी है ना बी ये क्या है बी का मतलब होना है होना यानी कि नो एक्शन नो एक्शन और ये कैसे होगा ये क्या है हमारी ये वर्ब है दोस्तों और ये अकेली ऐसी वर्ब है जो हमें पास्ट भी प्रेजेंट भी फ्यूचर भी तीनों टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब देता है कैसे देता है ध्यान से सुनिएगा अब अगर तो मैं बात करता हूं प्रेजेंट की प्रेजेंट में पास्ट में और फ्यूचर में क्या है दोस्तों बी की फॉर्म्स क्या हैं? बी की फॉर्म्स हैं इज एम आर यानी कि होना ये सिर्फ आपको होने के लिए बता रहे हैं इज एम आर बी की ही फॉर्म्स हैं समझ आ रहा है अब पास्ट में ये क्या है वॉज वर वॉज वर पास्ट की ठीक है और फ्यूचर की क्या है विल बी शैल बी देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा और इसकी पैसिव में क्या है पैसिव में जो पैसिव वॉइस होती है ना उसमें आपको मिलेंगी इसकी बीन और बीन की फॉर्म्स इनका भी मतलब होता है होना कि कुछ है ये सिर्फ जानकारी देती है ये कोई काम नहीं करती ये सिर्फ जानकारी देती है ये काम नहीं करती कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा ये बात ध्यान रखिएगा समझ आ रहा है आप सबको मजा आ रहा है भाई पढ़ने में मजा आ रहा है कुछ नया सीख रहे हो कुछ ऐसा सीख रहे हो बिल्कुल बेसिक सा है ना सी लग रही है हल्की हल्की कि ओहो मजा आ रहा है आज तो बिल्कुल वैसा होना चाहिए ठीक है आग के बिना कभी भी गाड़ी आगे नहीं जाती ठीक है ना चलिए तो प्रेजेंट में यह हो गया अब यहां जो आप देखेंगे आप देखेंगे जैसे इज का ही इज अ बॉय क्या कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ एम आई एम हैप्पी आई एम हैप्पी कि मैं खुश हूं कोई काम हुआ नहीं हुआ यहां पे आ जाइए आर पे, लायर कि तुम क्या हो तुम झूठे हो यू आर अर तो इन तीनों से आप जो भी लेकिन कंडीशन क्या है सिर्फ इज एम आर अकेली वर्ब रहेगी सेंटेंस में तो कोई एक्शन होगा ही नहीं क्योंकि इसका मतलब क्या है होना बी का मतलब है सिर्फ होना कोई जो काम है कोई सिचुएशन है ये उसको सिर्फ एक्सप्लेन करता है जैसे मैं एक अध्यापक हूं आई एम अ टीचर आप विद्यार्थी हो यू आर स्टूडेंट समझ आ रहा है ऐसे ठीक है अब देखिए पास्ट में है वॉज वाज एट द ही वॉज एट द बस स्टॉप कि वो बस स्टॉप पर था वी We वर सैड We कि भाई हम तो उदास थे इसी तरह विल बी का बन जाएगा आई विल बी अ डॉक्टर वन डे कि मैं एक दिन एक चिकित्सक बनूंगा यू शैल बी शैल बी अ टीचर वन डे कि आप एक दिन अध्यापक बनोगे ठीक है आप एक दिन क्या बनोगे तो फ्यूचर में बनने का जो सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करेगी बस ये चीजें क्लियर है चलिए अब आ जाते हैं पीछे है ना कहा गए आप देखो दोस्तों हम यहां पे आ गए हम बात कर रहे थे सरफेस की यहीं से घूमते घूमते हम किस पे चले गए गाड़ियों पे बस पे उन पे चले गए तो याद रखना आज के बाद जब भी आप किसी भी व्हीकल में जाओ किसी भी साधन में जाओ अगर आपको चल के अपनी सीट पर जाना पड़े सो यू ऑलवेज गेट ऑन दैट व्हीकल बी इट बस बी इट शिप बी इट एरोप्लेन और बी इट योर ट्रेन ओके बट वेन यू गेट इन अ कार यू डू नॉट गेट ऑन इट आप गेट इन होते हो कार में और कोई कार के अंदर से आपको आवाज दे रहा है कि अंदर आ जा वो होगा गेट इन टू क्लियर है तो सरफेस का फंडा आपको क्लियर हो गया तो सरफेस के ऊपर कुछ भी होगा वो होगा ऑन अब इनकी बात क्या आती है एक एनक्लोज सरफेस यानी कि दिशाओं से घिरा हुआ जैसे ये जो कमरा है मैं क्या कह सकता हूं आई एम इन द रूम ठीक है आई एम इन माई हाउस आई एम इन डेली आई एम इन इंडिया क्योंकि जो भी मैंने बात की है वो सारी चीजें क्या हैं? उनकी एक बाउंड्री है क्या है बाउंड्री है समझ आया तो उसके लिए हमेशा इन का यूज करना अब एट का क्या यूज करते हैं मान लो ये क्या है ये आपका बस स्टॉप है बस स्टॉप है दोस्तों मुझे एक बात बताओ क्या आप कभी भी बस स्टॉप के ऊपर चढ़ सकते हो क्या बताओ जल्दी यहां से बस स्टॉप के ऊपर चढ़ सकता है कोई बस स्टैंड जो होता है ना वहां तो आप अंदर जा सकते हो बस स्टॉप जहां पे यात्री जो है वो वे वेट करते हैं बस का क्या आप उसके ऊपर चढ़ सकते हो क्या मतलब वो क्या वो कोई नॉर्मल जगह है क्या नहीं है ना क्या आप उसके अंदर जा सकते हो क्या बस स्टॉप के अंदर जा सकते हो क्या वो क्या कोई एनक्लोज स्पेस होता है क्या वो नहीं होता नहीं होता इसीलिए जो बस स्टॉप है ठीक है ये टिन शेड टाइप की ऐसी होती है ठीक है ना आप यहां पर वेट करते हैं सभी बस का खड़े होके तो अगर आप यहां पर खड़े हैं तो आप एट एट द बस स्टॉप जैसे अगर अगर हमारे घर पे कोई दरवाजे पर आ जाता है कोई अगर हमारे घर पे दरवाजे पर आ जाता है तो आप क्या बोलते हो क्या वो दरवाजे के ऊपर खड़ा हो सकता है नहीं हो सकता तो ऑन नहीं आएगा क्या वो दरवाजे के अंदर से आ सकता है नहीं आ सकता तो इन नहीं होगा लेकिन वो दरवाजे के बिल्कुल पास यानी कि लोकेशन बिल्कुल पास वहां खड़ा रहेगा तो वो हो गया एट कोई दरवाजे पर है द डोर कोई दरवाजा खटखटा रहा है ठीक है समवन इज नॉकिंग एट द डोर समझ आ गया क्लियर है दोस्तों क्लियर है बताओ बताओ भाई देखो एक बात बताओ मुझे मैं जो एक कोशिश कर रहा हूं आप सबको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा मजा आ रहा है तो बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब अंधाधुंध फायरिंग की तरह ऐसे ऐसे कर दो ठीक है चलिए अब यहां पर मुझे आप लोगों को एक बात और बतानी थी जब आप किसी को अपना एड्रेस देते हो यानी कि जब भी आप किसी को अपना पता बताते हो जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस होता है ठीक है जैसे भारत नगर ठीक है हाउस नंबर 11 भारत नगर डेली रोड भिवानी, हरियाणा ठीक है तो मान लो अगर मैं मेरे घर का एड्रेस लिखूं तो वो जैसे ये मैंने एग्जैक्ट अगर हाउस नंबर दिया है तो हमेशा क्या लगेगा एट लगेगा क्या लगेगा एट लगेगा समझ आ गया आपको क्लियर है चलिए वेल एंड गुड अब अब जो हम बात कर रहे थे दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को ये पीडीएफ इसलिए बता रहा हूं कि इस पीडीएफ में शायद ही कुछ ऐसा बचेगा जो कि आप लोगों को बेसिक ना लगे जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव ना हो समझ आ गया जो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है ये हजार डेली कॉमन यूज वर्ड मीनिंग अगर नहीं लेगा ना पीडीएफ तो भैया आप खुद सोच लो आप कितना नुकसान कर रहे हो अब देखो दोस्तों जैसे मैंने यहां पे बता दिया ये, ये और यह ये है दिस अब आपने यहां क्या सीखा इज्जे सीख लिए, दिस सीख लिया अब मैं यहां पर एक चीज आपको और सिखा देता हूं टुक 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 दोस्तों देखो दिस दैट दीज दो दिस दैट these दो इससे बेसिक तो होगा ही नहीं भाई जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये रामबाण उपाय है ठीक है ये टूना टोटका आप समझ लो काला जादू एक तरह से इंग्लिश सीखने का ठीक है ना देखिए दोस्तों दिस का मतलब है जो भी आपके पास हो लेकिन एक एक है आपके पास है लेकिन एक से ज्यादा है ठीक है दैट वो एक है लेकिन क्या है दूर है और यहां क्या है वे एक से एक से ज्यादा हैं लेकिन क्या है दूर है समझ आ गया यह है हमारा दिस दैट दीज और दोज का फंडा मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको आपके बिल्कुल पास आपके बिल्कुल पास में एक क्या है आपके पास है कुर्सी क्या है एक कुर्सी आप क्या कहोगे दिस इज अ चेयर। क्या बोलोगे आप दिस इज अ चेयर लेकिन अगर आपके पास अगर आपके पास एक से ज्यादा अगर आपके पास एक से ज्यादा कुर्सियां हैं तो आप क्या बोलोगे दीज आर चेयर्स समझ आ रहा है आप सबको समझ आ रहा है सबको क्लियर है भैया मजा आ रहा हो तो लाइक करो ना मजा आ रहा है तो लाइक करो और शेयर करो बहुत बढ़िया कर भी दिया आप सबने ठीक है तो अगर आपके पास कोई एक चीज है जैसे ये कुर्सी जो है ये आपके पास है लेकिन एक है सिर्फ एक है तो आप कहोगे दिस इज अ चेयर कि यह एक कुर्सी है लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा कुर्सियां हैं आप कहेंगे दीज आर चेयर्स दीज आर चेयर्स क्लियर है अब यहां पर आपसे दूर यानी कि यहां आपको दिख रहा है अरे कोई कुर्सी रखी हुई है भाई ठीक है कोई कुर्सी रखी है आप क्या कहोगे दैट इज चेयर लेकिन आपको दूर एक से ज्यादा कुर्सियां दिख रही हैं दूर मतलब जहां पर आप उसको टच ना कर सको देखो सिंपल सा फंडा है दिस और दैट जो आप टच कर सको जो आप टच कर सको यानी कि आपके टचिंग डिस्टेंस पे वो चीजें रखी हुई हैं मान लो अब अगर ये अलमारी है मैं कहूंगा दिस इज एन अलमीरा तो मैं इसको टच कर सकता हूं आवाज आ रही है ना मैं इसको टच कर सकता हूं लेकिन अगर मैं दूसरे कमरे में कोई अलमारी है उसे मैं देख सकता हूं यहां से उंगली कर सकता हूं बता सकता हूं कौन सी है लेकिन टच नहीं कर सकता वो हो जाएगी दैट बस इतना फंडा है सिंपल सा ठीक है तो ये बात आप ध्यान रखिएगा जो आपसे दूर है वो चाहे एक चीज है तो दैट हो जाएगा एक से ज्यादा है तो दोज हो जाएंगी ठीक है लेकिन जिनको आप टच कर सको जो आपके पास है एक चीज हो तो दिस और एक से ज्यादा चीजों को आप टच कर सकते हो तो आप कह सकते हो दीज वेल डन चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं वापस आपकी पीडीएफ पे अब दोस्तों देखिए चाहे फ्रॉम है बाय है हॉट वर्ड शब्द ठीक है लेकिन क्या आप देखोगे छोटे से छोटा वर्ड मैंने यहां पर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है इस पीडीएफ में देर वहां ऑफ की ठीक है एंड और यानी कंजंक्शन भी दिए हैं एज जैसा सभी कंजंक्शन प्रेपोजिशंस पूरा कंप्लीट आपको इसमें पैकेज मिलेगा ठीक है कैन हो गया कर सकना विच uh, हो गया जो तो विच वाई ये सारी चीजें आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड मीनिंग जैसी हजार मिल जाएंगी ठीक है दोस्तों तो देखिए मैं लास्ट बार एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना रहे ये जो हजार कॉमन वर्ड्स हैं इसकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है ठीक है लिंक डिस्क्रिप्शन में है और 57,000 फॉलोअर्स वाला जो टेलीग्राम चैनल पर जो भी चैनल है 57,000 फॉलोअर्स वाला मेरी फोटो के साथ उसी को आपने सब्सक्राइब करना है यानी फॉलो करना है अब बज गए हैं आ, दस मिनट बाद अब से एग्जैक्ट दस पंद्रह मिनट बाद आपको लिंक मिल जाएगा और ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको सिर्फ और सिर्फ फोर्टी नाइन रुपीज में मिलने वाली है ठीक है दोस्तों बताइए ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर फिफ्टी सेवन थाउजेंड फॉलोअर्स वाला जो चैनल है उसी को ज्वाइन करना सर्च कर सकते हो तो ऐसे करोगे नहीं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है मैं जो लिंक है उसको पिन भी कर दूंगा ठीक है क्लियर चलिए दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये पूरी पीडीएफ जो है मैं आपको दिखा देता हूं अच्छे से ये पूरी पीडीएफ आप ये ना कह दो कि सर आपने तो वो कर दिया ठीक है देखिए कास्ट स्पेल जादू करना ठीक है जमीन भूमि लैंड यहां हेयर अवश्य ही मस्ट ठीक है फॉलो अनुसरण करना बदलाव चेंज मतलब शायद ही कोई एक ऐसा कॉमन यूज का वर्ड होगा जो आपको ना मिले मैंने पूरी मेहनत करके इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया है ठीक है तो ये आप लोगों को मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो ऐसे ही पूरी पीडीएफ आपको मिलने वाली है तो उम्मीद करता हूं आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी ठीक है रोहित कुमार ये डिस्काउंट के बाद ही है मेरी एप्लीकेशन पे यहां पर एक बात और बता देता हूं मैं आपको ठीक है जो मेरी एप्लीकेशन है यहां पर कैसे बताएं देखिए दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और आप डाउनलोड करेंगे मेरी ऐप जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स ठीक है और इस पर एक आपको कोर्स मिलेगा जीरो लेवल टू हीरो लेवल ठीक है तो ये कोर्स है दोस्तों हाल फिलहाल ट्रिपल नाइन रुपीज का एक साल की इसकी वैलिडिटी है ठीक है तो इसमें मैंने क्या कर रखा है एक तो आपको मैंने एट्टी क्लासेस दी हुई हैं विद पीडीएफ विद पीडीएफ और जो ये आज वाली पीडीएफ है ये भी इस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है ठीक है तो जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा कोर्स लिया हुआ है उनको टेलीग्राम पर लिंक से खरीदने की कोई जरूरत नहीं उनको जीरो लेवल टू हीरो मिल जाएगा दूसरा लाइव क्लासेस चलते हैं दोस्तों इसमें कंप्लीट कोर्स होता है ठीक है कंप्लीट कोर्स होगा लाइव क्लासेस का जो भी पूरे साल में हालांकि हर महीने अब हम कोर्स चला रहे हैं तो पूरे साल में एक साल की वैलिडिटी है जो भी लाइव कोर्स चलेगा जीरो लेवल टू हीरो लेवल वालों को वो क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी एट्टी क्लासेस के अलावा मिलेंगी समझ में आ रहा है और जितने भी पीडीएफ्स हैं जितने भी पीडीएफ्स हैं जैसे पांच हजार डेली यूज के सेंटेंसेस ठीक है ना और जो अभी मैंने बताया है हजार ये वर्ड्स वाली और फाइव हंड्रेड वर्ब्स का फाइव हंड्रेड वर्ब्स का और फाइव हंड्रेड वर्ड मीनिंग विद एग्जाम्पल तो कहने का मतलब इतना स्टडी मेटेरियल है इसमें कि आप मतलब करते रहोगे करते रहोगे मेटेरियल खत्म नहीं होगा जब तक आप इंग्लिश नहीं सीख जाओगे ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं आप सब से बहुत जल्द नेक्स्ट लाइव क्लास वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर गुड नाइट एंड कीप लर्निंग टेलीग्राम पर यह पीडीएफ अभी आने वाला है एग्जैक्ट आफ्टर टेन मिनट्स सो जस्ट वॉच फॉर इट एंड कीप लर्निंग बाय बाय लव यू ऑल